सो हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धि रॉय, यू आर वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम लोगों का जो एजुकेशन मिनिस्टर है भारत भूषण की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही ध्यान से वो वीडियो देखना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक अपडेट दे देता हूं जो कि है आपका, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, वहां पे मैंने बोला था रीलेवल के बारे में। रीलेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका एक एग्जामिनेशन होता है, उस एग्जामिनेशन का स्कोर को देखते हुए आपको टॉप जो कंपनीज है इंडिया का वहां पे आपको जॉब मिलता है। 15 LPA तक आपको जॉब मिल सकते हैं, मतलब एक बहुत ही अच्छा खासा जॉब आपको मिल सकता है अगर रीलेवल के थ्रू आप लोग एग्जामिनेशन दे। एग्जामिनेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाइए और एग्जामिनेशन दीजिए रीलेवल के थ्रू। आपको सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीलेवल पे आपको इजीली वहां पे लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको गेट हायर्ड पे जाना है। तीन आपको सेक्शंस मिल जाएंगे, तीन सेक्शन में आपका क्या क्या है, बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट आप दे सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट टेस्ट आप दे सकते हैं, बैक एंड डेवलपमेंट टेस्ट आप दे सकते हैं। तीन टाइप का टेस्ट है जो आपको लग रहा है जिस फील्ड पे आपको जाना है। बहुत सारे कंपनीज है, क्रेड है, 1MG है, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज आपको मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए आइदर बिजनेस सेक्टर में या फिर फ्रंट एंड में या फिर बैक एंड में। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर फ्रंट एंड या फिर बैक एंड में जाए तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट है। एंड जो नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, नॉन बीटेक स्टूडेंट्स है, अगर आप बिजनेस सेक्टर में जाए तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है। सिंगल डे में टोटल आपका एग्जामिनेशन होगा, उस एग्जामिनेशन का स्कोर आपको मिल जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर, उसके बाद मतलब 5 डेज के अंदर आपको उसका स्कोर मिल जाएगा। एंड सिंगल डे में टोटल 5 राउंड का एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा। एक लैपटॉप मैंडेटरी है क्योंकि लैपटॉप से ही आपको एग्जामिनेशन देना है, अदरवाइज सब कुछ आपको पता ही है क्योंकि मैंने बार बार बोला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर किया है रीलेवल पे। और इस बार अभी तक अगर आपने रजिस्टर नहीं किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैंने क्लियरली समझा दिया। स्लॉट बुक आप लोग कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले आपको लॉग इन करना है, लॉग इन करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट होगा, उस अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद किसी भी सेक्टर में, तीन में मतलब बिजनेस या फिर फ्रंट एंड या फिर बैक एंड, किसी भी एक पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप लोग गेट हायर्ड में क्लिक कीजिए, उसके बाद आपके पास स्लॉट आ जाएंगे, डिफरेंट स्लॉट्स हैं, किसी भी एक स्लॉट पे स्लॉट बुक कीजिए। जब भी आपका स्लॉट बुक हो जाएगा उसके बाद उस डेट पे आपका एग्जामिनेशन होगा, एक ही दिन में कंप्लीट एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, आपको मार्क्स मिलेगा, उस मार्क्स के अंदर आपका जितना अच्छा मार्क्स आएगा उतना अच्छा अच्छा कंपनी में आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इतना अच्छा आपको फ्री ऑफर कभी नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली रीलेवल के थ्रू डेफिनेटली जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए एंड अच्छा स्कोर कीजिए, उसके बाद अच्छे अच्छे कंपनी में जॉब पाइए। बिल्कुल आपके हाथों के सामने रीलेवल जॉब्स लेके हाजिर हो चुके हैं, तो डेफिनेटली जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया आज का जो आपका मतलब मैं बोलना चाह रहा था। एक और अपडेट दे देता हूं रीलेवल के बारे में। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक आपको मिल जाएगा जो आपको दिखाएगा, आप यहां पे भी देख सकते हैं, ट्विटर हैंडल है, यहां पे जो स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर किए हैं सब कुछ उनका सब डिटेल्स जो है, जो अच्छा स्कोर किए हैं, कितना क्या क्या है नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली वो भी चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्विटर हैंडल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए मेन वीडियो पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये विश्वभारती न्यूज चैनल पे आया है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बांग्ला छेले में दे चाकरी दिशा दीते चोले छे कैरियर पोर्टल। तो एक कैरियर पोर्टल चालू किया जा रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, वहां पे आपका बहुत ही अच्छा अच्छा जो कैरियर के ऑप्शन है सभी आपको पता चलेगा। क्या क्या बोला जा रहा है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, বাংলা ছেলে মেয়েদের নিয়োগের উপযুক্ত করে তুলতে 5 অক্টোবর বিশেষ পোর্টাল চালু করছে শিক্ষা দপ্তর। শুক্রবার মেধা অন্বেষণ সিরিজের প্রথম ওয়েবিনারে উপস্থিত থেকে একথা জানালেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তো ইহাঁ পে 5 অক্টোবর সে ওয়েস্ট বেঙ্গল পে এক স্পেশাল আপকা জব রিলেটেড সবই কুছ আপকো পতা চলেগা, জবস কহাঁ পে জব ওপেন হো রা হ্যায় নহীঁ হো রা হ্যায় ওয়েস্ট বেঙ্গল কা, সবই স্টুডেন্টস তাকি ইজিলি অ্যাপ্লাই কর পায়ে ইসকে লিয়ে এক অলগ সা পোর্টাল চালু হো রা হ্যায়। পোর্টাল কা
नाम क्या दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरियर पोर्टल नाम दिया जा रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है हम लोगों का जो एडुकेशन मिनिस्टर है ব্রত বসু के तरफ से। और भी क्या बोला जा रहा है, শিক্ষা জগতের সঙ্গে শিল্প জগতের সম্পর্ক সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সরকার এই প্রকল্প চালু করেছে। এই এতে উপস্থিত ছিলেন বণিক সভা, শিল্প, উচ্চশিক্ষা জগতের ব্যক্তিত্বরা। সেখানে এই পোর্টালের প্রস্তাব উঠলে শিক্ষামন্ত্রী জানান আগেই সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তো পহলে সেই ইয়ে যে ডিসিশন লে লিয়া গিয়া থা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট কে তরফ সে, অভি 5th অক্টোবর সে এক আলাদা সা পোর্টাল চালু কিয়া জায়েগা জাহাঁ পে ক্যারিয়ার পোর্টাল নাম দিয়া জা রাহা হ্যায়। ওয়েস্ট বেঙ্গল কে সবি স্টুডেন্টস উসকো অ্যাক্সেস কর পায়েঙ্গে এন্ড ডেফিনেটলি জান পায়েঙ্গে কব কিস জগাহ পে ওয়েস্ট বেঙ্গল কা জব ওপেন হো রাহা হ্যায়, ফির জব রিলেটেড সবি আপডেট স্টুডেন্টস কো ওয়াহাঁ পে ভি থোড়া থোড়া করকে মিলতে রহেঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল মে জো জো জবস ওপেন হোঙ্গে। তো ইয়ে এক বহুত হি আচ্ছা ডিসিশন লিয়া গিয়া হ্যায় হাম লোগো কে এডুকেশন মিনিস্টার ব্রত বসু কি তরফ সে। জব ভি ইয়ে পোর্টাল চালু হো জায়েগা উসকে বাদ মে পোর্টাল কা সবি ডিটেলস আপকে সামনে লেকে আউঙ্গা। ডেফিনেটলি চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব करके रखना, वीडियो को शेयर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।